हमने देखा भगवान ने एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति या एक व्यक्ति जो गुणों के अतीत है, गुणों से ऊपर है, उसके लक्षण बताना कल शुरू किया। भगवान ने कहा कि किस प्रकार से तीनों गुणों के सिम्टम्स से जो आसक्त नहीं है और वो तीनों सिम्टम्स चले जाएं तो वो भी उससे वो द्वेष नहीं करता, ना सकता है, वो व्यक्ति गुणों के प्रभाव से ऊपर है। आज दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं इन द 23rd वर्स वी हैव उदासीनवद आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवम् यो वतिष्ठति न इंगते। The Supreme Personality of Godhead said, one who is undisturbed, unwavering through all these reactions of material qualities, remaining neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active, such a person is said to have transcended the modes of material nature. So, Bhagavan कहते हैं उदासीन वद आसीन। उदासीन एक व्यक्ति जब वो अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है वो उदासीन है, जो है सब ठीक है। अब व्यक्ति कोई फेल हो गया तो फेल हो गया तो उसे 25% मिले, 15% मिले या 34% मिले? ऑफकोर्स 34% मिल करके अगर फेल हो गया तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी द रिजल्ट इज फेल हो गया। या फिर अगर किसी को डिस्टिंक्शन मिले 75% से ऊपर, सो 75 मिले, 76 मिले, 80 मिले, 85 मिले, 89 मिले, वो डिस्टिंक्शन ही रहा। सो इस बीच में वो उदासीन है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। उसी प्रकार से जब व्यक्ति गुणों के प्रभाव से और उसके लक्षणों से अपने आप को ऊपर उठाता है तो उदासीन है, अपने जीवन में जो कुछ भी परिस्थितियां आ रही हैं, he goes through them, he works hard to make things work, but he is not attached to the result. एक साधारण व्यक्ति और एक भक्त में क्या अंतर है? साधारण व्यक्ति भी मेहनत कर रहा है और भक्त भी मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं है कि भक्त आराम से घर में बैठे हुए हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम देखते हैं भक्त भी कार्य कर रहे हैं। तो जानने का मार्ग प्रश्न ये है कि अरे, तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अरे भक्त भी काम करते हैं, बाहरी लोग भी काम करते हैं, आप क्यों भक्तों के नाम से इतना जमावड़ा करते हैं? तो ये भक्त है, भक्त है, भक्त है। समझने का तात्पर्य है कि कार्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब उसके रिजल्ट से व्यक्ति आना सकता है, देन ही शील्ड्स हिमसेल्फ फ्रॉम अ लॉट ऑफ नेगेटिविटीज एंड रॉन्ग थिंग्स दैट हैपन टू हिम। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों से आसक्त होना चाहिए, उसके प्रभाव से, उसके रिजल्ट से नहीं। तो भगवान कहते हैं 2.47 में भगवत गीता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्नमाते संगोत्सवि कर्मणि। आपको कर्मों के रिजल्ट से अनासक्त रहना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कर्म नहीं करना है। मा ते संगोत्सवि कर्मणि, अरे मैं कार्य ही नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को कार्य करना ही चाहिए, व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके रिजल्ट से अनअटैच रहना पड़ेगा, तब वो उदासीनवद आसीनः। यस, गुणैर्यो न विचाल्यते, तब वो गुणों से विचलित नहीं होगा। गुण रहेंगे लेकिन वो विचलित नहीं होगा, गुण हिलते रहेंगे लेकिन उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। When is a person stable? It is not that externals become stable, then he becomes stable. No. Externals might still be shaky, but internals when they become stable, that is where a person is stable. दुनिया सोचती है बाह्य चीजों को regulate करेंगे हम अच्छे रहेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, गुणैर्यो न विचाल्यते, गुण होंगे, उसका प्रभाव होगा, लेकिन उससे व्यक्ति विचलित नहीं होगा। गुणा वर्तन्त इत्येवम् यो अवतिष्ठति न इंगते। सो गुणा वर्तन्त, सब कुछ गुणों के कारण हो रहा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता इति मन्यते। प्रकृति के गुणों के कारण सारी सृष्टि चला रहा है। तो जो कोई भी मुझसे आज बहुत अच्छा है वो भी प्रकृति के गुण है,
जो कोई भी मेरा दुश्मन बना हुआ है मेरी जान के पीछे, वो भी प्रकृति की गुण ही है। जीव न तो कार्य करता है न जीव कारण, ये जानना बहुत जरूरी है। प्रकृति के गुण कार्य करवा रहे हैं और हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, या मेरे जीवन में कुछ गड़बड़ है वो किसी और के कारण है। यही पर तो अनासक्ति आती है। We always think that good is happening because of me and bad is happening because of somebody else. It is not like that. Good is also happening because of gunas and bad is also happening because of gunas and our karmas, of course. So, ऐसा व्यक्ति न इंगते, वो कभी भी अपने कर्तव्यों से अपनी दक्षता में वो कभी कम नहीं पड़ेगा। He will not waver. इंगते अर्थात जैसे in a windy place a flame shakes. So when Krishna says a person becomes unattached, then he will not shake. In even the things might be wrong. जब बाहर में लोग तुलसी का दिया लगाते हैं माताएं, तो हवा चलती है तुलसी के सामने, तो क्या करते हैं एक ग्लास का शील्ड लगा देते हैं। So ग्लास का शील्ड लगाने से हवा चल रही है लेकिन तुलसी का दिया जल रहा है। So वैसे ही आध्यात्म विद्या ये उस तुलसी वो ग्लास की शील्ड की तरह है, और बहती हवा प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव है। प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम आध्यात्म विद्या से अपने आप को जो ऊपर उठाते हैं, दैट प्रोटेक्ट्स अस लाइक अ शील्ड। यही भगवान बता रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama